मेरे माताएं बहने इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहने यही मोदी की रक्षक है। छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ। महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गंवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहने इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहने यही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। साथियों, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता 40-50 साल से वैसे ही कुकरी मारते रहते हैं। बारामती के चुनाव के बाद वो इतने चिंतित है कि उन्होंने एक बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने, मैं पक्का मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करके ही दिया होगा। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिके रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। अब आपको मैं बताता हूं, जब 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाए।